आपसे दो क्वेश्चन है और दोनों नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हैं पाकिस्तान के। सबसे पहले ये, जब आपने डेविड कैमरॉन से बात की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, तो क्या अमेरिका की तरफ से जो धमकी आमेज बयान और डू मोर और दूसरी चीज़ों का मुतालबा हो रहा है, उस पर भी आपकी क्या बात हुई है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे अमेरिकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन के पिछले हफ्ते के बयान पर है जो उन्होंने नई दिल्ली में दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि हाफिज सईद के बारे में और एमन अज़हरी के बारे में, मुल्ला उमर के बारे में पाकिस्तान को कुछ इकदाम करने चाहिए, और उनको यकीन है कि एमन अज़हरी पाकिस्तान में ही है। थैंक यू। हमारे जो बायलैटरल यूके के साथ वो बहुत यूनिक हैं और बहुत स्टेबल हैं, और आपने देखा होगा कि जो मिस्टर कैमरॉन का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के दोस्त हमारे दोस्त हैं और उनके दुश्मन जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी जो हैं वो जमहूरियत को स्टेबलाइज करने के लिए उनका एक बहुत कलीदी किरदार है। तो इन दोनों इश्यूज़ पर उनको उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। जहाँ तक हाफिज सईद का ताल्लुक है, तो आपको मालूम है कि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट हैं, और जो भी शवायद जो ठोस शवायद वो देंगे तो वो अदालत के सामने वो पेश होंगे। अब अदालत को कायल करना उन एविडेंस का जो है वो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट अप टू द गवर्नमेंट टू टेक अ डिसीजन। जहाँ तक अल-ज़वाहिरी का ताल्लुक है, हमारे बहुत उम्दा ताल्लुकात CIA के और ISI के रहे हैं और अब भी हैं, और जितने भी हाई वैल्यू टारगेट्स अलकायदा के हमने अचीव किए हैं वो एक दूसरे के तआवुन के साथ किए हैं। तो इसलिए बेहतर होगा जब हम पार्टनरशिप रोल में हैं और हम एक दूसरे के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए हम सोच रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कोई एक्शनेबल और क्रेडिबल अगर इंफॉर्मेशन उनके पास है तो प्लीज़ शेयर विद अस, सो दैट जॉइंटली ISI और CIA मिलके वो हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें हमें कोई ज़्यादा फिक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ हमें प्राइम मिनिस्टर कैमरून को कहने की ज़रूरत है। I'm a veteran writer. My question is simple and straightforward. David Cameron, the British Prime Minister, has excellent relations with the United States of America, with the President Obama. Did you take this opportunity to request the good offices of the British Prime Minister to use his good offices in requesting Mr. Obama not to attack Pakistan territory through drone attacks? And did you discuss Kashmir? Thank you. We discussed all issues with him, and the friend who are friends, there is no need to convince them. They are already convinced, and the friends will take up the issues themselves. Sir, mera ye sawal hai कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो आप पे दौरे पे तनकीद कर रही हैं, कौन सी जमातें? जबकि आपका दौरा तो स्वाद से ज़्यादा कामयाब हुआ है, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, क्या आप इंसाफ हुसैन से मुलाकात करेंगे? देखें, जहाँ तक अपोजिशन जमातों का ताल्लुक है वो इनकी इस एजुकेशन पॉलिटिक्स से मुंसलिक नहीं है, वो दूर है। उनको मालूम है कि ये हकूमत में भी हैं और अपोजिशन में जो खला है वो भी पुर करना चाहते हैं खुद, तो जो एक टिकट में दो मज़े लेना चाहते हैं तो वो कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए वो समझते हैं कि कहीं इमरान खान वो खला पुर ना कर जाएं अपोजिशन का, क्योंकि इस वक्त तमाम जमातें जो हकूमत में हैं, हाँ कोई सूबों में है, कोई सेंटर में है, मगर खाली कोई नहीं है। ये पूरी कौम जानती है कि तमाम इस वक्त हुकूमत में वो काम कर रहे हैं। अब जो अपोजिशन का रोल है वो चाहते हैं कि हम वो रोल भी हम अदा करें ताकि कल को कोई अपोजिशन भी ना बन सके। तो इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उसके लिए वी शुड नॉट बिकम अ लाफिंग स्टॉक, और पूरी दुनिया में उनकी इन वजह से
बदनामी हो रही है और इमैच्योरिटी, पॉलिटिकल इमैच्योरिटी की बात हो रही है और इसके इस किस्म के सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है द बेटर सेंस वुड प्रिवेल एंड दे वुड वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ग्रैंड साहब चौधरी के साथ साथ जो हैं वो आपको वजीर आजम नहीं मान रहे हैं। आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहे और इलेक्शन कमीशन का मगर मैं उनको अपोजिशन लीडर मानता हूं, तो मैं मेंडेट का एहतराम करता हूं। इलेक्शन कमीशन की तैनाती फिर कैसे होगी, आप एक तरफा फैसला कर लेंगे या क्या करेंगे? आईन में एक तरफा नहीं होता, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। या नया अपोजिशन लीडर बनाएंगे आप? नहीं, हम क्यों बने, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो सूट करता है इस किस्म के ऑपोजिशन लीडर अगर हों और इस किस्म की ऑपोजिशन हो तो हमारा तो साथ दे रहे हैं, हमें तो फायदा है। सर थैंक यू सो मच, यहाँ बड़े बड़े साफी बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा, हम तो आपको भी बड़ा साथ, नहीं मेरा थोड़ा शिकवा ये है कि क्योंकि आप लंदन आए हैं और हम लोगों को आपसे इंटरेक्ट करने का मौका कब मिलता है, ये लोग तो आपसे सुबह शाम 24 आवर्स आपको लाइन पे लिए होते हैं, तो हम लोग पीछे हैं और ये लोग आगे हैं, हालांकि पाकिस्तान में भी ये आप लोगों के साथ होते हैं यहाँ पर भी, लेकिन ये मेरा एक ग्रीवेंस था, मैंने कहा मैं आपके सामने फाइल कर। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये भी बात है, खबरें हैं कि कैमरॉन ने आपको प्रेशराइज किया है नेटो सप्लाई खोलने के हवाले से, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए मैं आपको पहले भी गुजारिश की है, अगर नेटो सप्लाई हमने बंद की थी उसको अब कितने माह हो चुके, तो इसलिए अगर हमने प्रेशराइज होना था तो बहुत पहले हो चुके होते। हम तो कौम को एतमाद में लेना चाहते हैं और जो भी पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन हैं उसकी लाइट पे हम इंशाल्लाह फैसले करेंगे और जो भी फैसले करेंगे वो कौम के मफाद पर। अच्छा मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब, मेरा नाम अताउल हक है, यूके टाइम्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। गुजारिश ये है, सवाल ये करना चाहता हूँ कि अभी आपके हम मंसब जो है उनसे मुलाकात हुई है और इससे पहले किस इतनी लंबी मुलाकात जो नहीं हुई, आप काफ़ी देर जो है गाड़ी में बैठे रहे हैं, आपकी क्या कोई नेटो सप्लाई के हवाले से बात हुई है और किस बदले में आपने कोई अपनी हुकूमत की सपोर्ट के हवाले से आपने कोई बात की उनसे कि बरतानवी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की पार्टी की हुकूमत की सपोर्ट करें? एक दूसरा सवाल सर ये है कि जिनेवा आपका विजिट है, जिनेवा के विजिट के बाद आप पर कोई प्रेशर है या कोई आप कमिटमेंट करने जा रहे हैं कि आप नया इलेक्शन जो है वो? पहली तो बात है जिनेवा में कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है, शिकागो में है और उसके उसके लिए उसके बाद सर कोई आप नए इलेक्शन जो है वो दोबारा? लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पहली बात ये है कि आप मुझे बताएं डेमोक्रेसी में क्या मेजॉरिटी की बात होती है या किसी एक इंडिविजुअल की बात मानी जाती है? तो इस वक्त जो पूरी कौम है उसका जो मैंडेट है और जो चारों सूबों में है वो स्टेबल गवर्नमेंट है, 2/3 मेजॉरिटी सेंटर में है, 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा आपकी सेनेट में है और 3 सूबों में आपकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, कश्मीर में हुकूमत है और PMLQ और हम अगर इकट्ठे हों तो हमारी मेजॉरिटी पंजाब में है। तो अब ये एक पार्टी कौन होती है ये कहना कि जी हम आपको या वज़ीर आज़म नहीं मानते या हम आप इलेक्शन करा दें, जितने ज़िमनी इलेक्शन हैं वो तो हार गए हैं सर, तो इसलिए मतलब है वो किस लिए देखिए बरतानवी हुकूमत के साथ हमारे इतने अच्छे मरासम हैं, ताल्लुक हैं जो आपको नज़र आए हैं और उनके तमाम तर एक सिफारिश करने के बावजूद, एक पैगाम देने के बावजूद उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट कि उनके ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे। सर आपने भी कहा कि मैं 2 कोर्ट्स को नहीं मानता, शरीफ कोर्ट्स को मैं नहीं मानता और दूसरी कोर्ट्स को मानता हूँ, सर जिन कोर्ट्स को आप मानते हैं उसके एक जज ने तफसीली ऑर्डर में खलील जिब्रान का हवाला देते हुए कहा है कि काबिल रहम है वो कौमें जो अपने मुजरिमों को हीरो का दर्जा दें, तो उन जज साहब के इस तबसरे पर आपका क्या तबसरा है? मेरे वो क्लास फेलो के बारे में मैं कोई बात नहीं करता, हो सकता है उनको ये ख्याल हो कि मुझे शेर व शारी का शौक है और वो अपने फैसले में भी उसी अंदाज में वो अपना फैसला कर रहे हो ताकि मैं खुश हूँ। सर एक लोकल इशू पे एक क्वेश्चन है,
पूरे यूके में इस वक्त यहाँ लंदन के हाई कमीशन में जो रीडेबल पासपोर्ट की मशीन मौजूद है, जबकि नॉर्थ के इलाकों को बहुत प्रॉब्लम है। और दो साल हो गया मैनचेस्टर में मशीन पर नसब हो चुकी हैं, वहाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक मामला तनयद नहीं किया गया। यही सेम सिचुएशन पूरे यूरोप में है, स्पेन, फ्रांस में, फ्रांस में एक है और एक और किसी जगह पे है जहाँ से पूरे यूरोप से लोगों को आना पड़ता है वहाँ पासपोर्ट बनाने के लिए। स्पेन में भी मशीन लगी हुई है, लेकिन दो साल से वहाँ भी मैं तो अभी तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, मशीन जो आई है अभी आई है ब्रेडफोर्ड में और बंदे आ गए हैं। और दूसरा ये है कि आपको मुबारक कि आपने पाकिस्तान में लोगों को बाहर किया जिनको मुलाजमत से निकाल दिया गया था, लेकिन सर जो आपको लिस्ट दी गई वो शायद टेंपर थी, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो मुलाजम थे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसिल के, तो वो उनको नहीं शामिल किया गया, दूसरे लोगों को कर दिया गया, इसलिए आपकी इतला के लिए सर जब आपको सपोर्ट आना करें। देखिए मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूं, जो जो हमारे ये मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को देते हैं, जहाँ तक ताल्लुक है कि जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया था नवाज शरीफ के दौर में, जिनको हमने नौकरियां दी, हमने वादा किया था और मोहतरमा का वादा था कि हम उनको बहाल करेंगे, हमने उनको बहाल कर दिया। और इसी तरीके से जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थे और वो हमारे दौर के नहीं थे, वो थे जनरल मुशर्रफ के दौर के, हमने उनको भी रेगुलराइज करा दिया है ताकि वो पाकिस्तानी हैं और गरीब लोग हैं और उनको रेगुलराइज करना ज़रूरी था। हमने हज़ारों की तादाद में किया है, अगर कोई कहीं कमी पेशी रह गई है तो आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दे दें। सबसे ऊपर टॉपिक कौन से जो आपके स्ट्रिप के बाद आपको मिली? अक्सर और भी आपके साथी आए हैं, सलीम आर्मी वाला साहब, आई थिंक सब मीडिया को पूछना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं, क्या कामयाबी इनको हासिल हुई है स्ट्रिप के अंदर, कितने इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं इसके बाद पाकिस्तान? थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि ये आप वजीर खजाना साहब जो हैं ये जवाब दे दें ताकि इनमें जो हमने अचीव किया ये बता सकें। थैंक यू जी। मिलान साहब देखिए, सबसे पहली जो इशू है वो जो पूछी जा रही है कि आप यहाँ क्यों आए, तो हम चूंकि आपस में हैं तो एक दूसरे से खुल के बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने मुझे इजाज़त दी है तो खुल के बात कर रहे हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब यहाँ इसलिए आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैमरन ने उनको बुलाया है दावत में, और उन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने कहा है कि आप हमारे मुल्क आए हैं और ये जो ताल्लुकात हैं ये उसका एक सिलसिला है, और प्राइम मिनिस्टर गिलानी इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम के जो ताल्लुकात हैं वो एक मिसाली हैसियत रखते हैं और इन दो ममालिक के दरमियान एक कुर्बत है जिसमें एक स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं, इसमें तिजारत के फरोग के ताल्लुकात हैं, इसमें हमारी जो कल्चरल एफिनिटी है, यहाँ 1.2 मिलियन पाकिस्तानी रहते हैं, उनके जो वेलफेयर के इश्यूज हैं, और सबसे बढ़कर ये हम इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे मजबूत किया जाए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कैसे जॉब्स क्रिएट की जाएं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाई जाए। और प्राइम मिनिस्टर कैमरन जो हैं उन्होंने एक लीडरशिप रोल अदा किया है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को दुनिया की मंडियों में पहुंचाने के लिए, यूरोप की तमाम ममालिक में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, और आगे चलकर
उन्होंने प्राइम मिनिस्टर गिलानी के साथ जो फैसला किया है वो ये है कि 2.5 बिलियन पाउंड्स हर साल हमारी ट्रेड होनी चाहिए। तो जो बुनियादी फोकस था वो ये था कि क्या इकदाम किए जाएं कि ये 2.5 बिलियन पाउंड्स हर साल जो है तिजारत हो। सो मेरे ख्याल में ये जो है एक बड़ी हमारी अकम्पलिशमेंट है और उसके लिए प्रैक्टिकल फैसले किए गए क्योंकि जो रोड मैप है उसमें वो शामिल है कि किस तरीके से यहाँ से बिजनेस डेलीगेशन आएंगे, किस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेज होंगी जो कि बरतानवी हुकूमत और हमारी जो जॉइंट कंपनीज हैं वो उसको प्रमोट करेंगी, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर कैमरन खुद पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के लिए रोल अदा करेंगे। तो जब हम कहते हैं कि हमें बेरोजगारी कम करनी चाहिए, जब हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को खुशहाली देनी चाहिए, तो वो इसी तरह से आ सकती है कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके दरमियान जो रुकावटें हायल हैं उनको दूर किया जाए। तो ये एक अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि बरतानिया की 100 से ज़्यादा कंपनीज पाकिस्तान में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं और खुसूसी तौर पे आज के दिन और कल जो ममालिक कल जो वजीर साहिबान के साथ बातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो उसमें ये मैसेज हमने दिया और ये मैसेज एक्सेप्ट किया गया कि जो ब्रिटेन की सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान उसको उजागर किया जाए और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर कैमरन और रॉयल फैमिली के लोग और उनकी काबीना के लोग उन्होंने हाथ बढ़ाया और कहा है कि हम ये रोल अदा करें पाकिस्तान के लिए। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं कि पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है और ये कि पाकिस्तान एक ऐसे दौर पे खड़ा है कि जहां ग्रोथ भी वापस आ रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है, लेकिन हमारी नेगेटिव परसेप्शन है। तो अगर हम बिल्कुल खुल के पूरी दुनिया के अंदर अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, जो हमारी लिबरल इन्वेस्टमेंट रिजीम है उसमें जो अट्रैक्शन है, उसमें जो रेट्स ऑफ रिटर्न है, उसमें जो पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटीज हैं उसको उजागर करने के लिए हमें कामयाबी हुई है यहाँ पर और इसके नतीज। जहाँ तक फ्रॉम डेली खबरें सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके दौरे हुकूमत से पहले जनरल मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, वो 10 साल 11 साल यहाँ पे आते रहे बतौर मिलिट्री डिक्टेटर भी और एज ए प्रेजिडेंट भी जमहूरी सदर। उनको ऐसा ही प्रोटोकॉल मिलता रहा जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि मुझे कन्विक्ट होने के बावजूद आपको मिला, तो आप इस पर सिग्निफिकेंस क्या करते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है आपके प्रोटोकॉल में और उनके प्रोटोकॉल में? दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त मुल्क में कराची से हैवर तक आग लगी हुई है, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, भूख से बिलक रहे हैं और आपका इतना हैवी जो वफद है, आप 6-7-8 लोग भी आ सकते थे, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली तो बात जो है कि आप डेमोक्रेसी को कंपेयर नहीं कर सकते विद डिक्टेटरशिप। जनरल मुशर्रफ वॉज नॉट ओनली जनरल मुशर्रफ, ही वॉज वेयरिंग 4 hats। ही वॉज द जॉइंट चीफ, ही वॉज द आर्मी चीफ, ही वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए आप अगर मवाजना एक जमहूरी हकूमत का आप उनके साथ करेंगे तो ये मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी होगी। और जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक है और इकॉनमी के इंडिकेटर्स जो हैं उन्होंने आपको बताए हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ चल रहे हैं, मगर एक नेगेटिव प्रोपागेंडा जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हो रहा है उसको बल्कि आपको डिस्पेल करना चाहिए। आज स्टॉक एक्सचेंज में मैं गया, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में है, उसके अंदर हमने बिजनेस कम्युनिटी के साथ बात की और उस पर हमें सिर्फ यही समझाना पड़ रहा था कि पाकिस्तान का जो इमेज है अगर हम खुद ही ख़राब करेंगे तो फिर तवक्को क्या कर सकते हैं दूसरों से कि वो उसके बारे में बेहतर बात करें। अब मिसाल के तौर पे हमने जो इनके साथ बात की है और फिर उसके अलावा हम प्रिंस एंड्रयू से भी मैं मिला हूँ और उसके अलावा लीडर ऑफ द अपोजिशन वो मुझे मिलने आए हैं,
ही इज अनलाइक आवर ऑपोजिशन लीडर, और उन्होंने आकर कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात रखना चाहते हैं और हम आपके साथ चलना चाहते हैं और पाकिस्तान के हमें बेहद एहतराम है और 1.3 मिलियन जो लोग यहाँ बसते हैं वो हमारा असासा है और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। अब आपको गवर्नमेंट भी मिल रही है, अपोजिशन भी मिल रही है। अभी मुझे वाइस चांसलर सारे मिलने आए थे कि वो चाहते थे पाकिस्तान में तालीम के लिए हम आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप चंद लोगों के बहकावे में ना आएँ और लीडर वहाँ की तो हुकूमत ने लिखकर भेजा यहाँ कि आप इनको प्रोटोकॉल ना दें। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है, मैं सिर्फ इंटेंशन देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वकार को ख़राब करने के लिए अगर वो ये लिखना भी चाहते थे वो भी उन्होंने कर दिया, तो आप बताएं क्या उन्होंने बेहतर काम किया। देखें मैं आपको ये कह रहा हूँ, हम तो डिक्टेटर नहीं है, हम तो कहते उसको तो निकाल कोई नहीं सकता था और उस वक्त कोई उनकी कोई मजबूरी होगी, मगर वो तो रेफरेंडम के जरिए वो कामयाब होकर आए थे। तो जब मैं जेल में था तो मेरा वोट भी मुशर्रफ को मिल गया था, मुझे भी पता नहीं था, तो इसलिए मतलब है उनको हमारे साथ मवाजना ना किया जाए, इट विल बी वेरी वेरी अनफेयर। दूसरा क्वेश्चन आप क्या तबसरा करना पसंद करेंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन नवाज शरीफ ने आज ये कहा है कि ही इज नॉट द लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो लीडर ऑफ एन अपोजिशन पार्टी, हां ये कहा है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो डूम्ड है, वो बड़ी तारीख तस्वीर पेश की है, आप इस पे क्या तबसरा करना चाहेंगे? देखिए पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है और पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर है और पाकिस्तान की जो यूथ है वो बहुत 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथ और जो यूथ है हमारी उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो ब्राइट रहेगा और वो लोग जो उस ज़माने में जैसे आपने ज़िक्र किया कि हम डिक्टेटर से लड़ रहे थे और हम जेलों में थे, सदर साहब भी जेलों में थे और मैं भी जेलों में था, तो उस वक्त जो कहते थे कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़राब है, तो उस वक्त मुस्तकबिल बहुत ख़राब था, तो उनको तो यहाँ रहना चाहिए था और एक आमिर के ख़िलाफ़ उनको लड़ना चाहिए था, उस वक्त तो वो आमिर के साथ समझौता करके चले गए, तो उस वक्त उनको पाकिस्तान का फ्यूचर याद क्यों नहीं आया? मेरा ख्याल है कि उनका अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं है। साहब मेरा नाम खालिद लोधी है नुमाइंदगर से, मैं प्योरली मेरा क्वेश्चन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से है कि पाकिस्तान में बड़े अरसे से करप्शन का खेल चलता है दोनों तरफ से, आपकी तरफ से भी और नून लीग की तरफ से, ऐसा मुमकिन है कि आने वाले इलेक्शन से पहले आप दोनों पार्टियां खुदा के वास्ते अपनी करप्शन की जो गेम है या तो इसको फेयर प्ले में बदल दें या अदालतों में चले जाएं, आवाम की अदालत में ये करप्शन ना लेके जाएं, वोट फिर आपको मिलेंगे, यही सिलसिला चलता रहेगा। देखें आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे याद है तारीख की तरफ से कि 58 में जब पहला मार्शल लॉ लगा तो उस वक्त यही करप्शन की बात चल रही थी और जितने भी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथी थे जो पाकिस्तान मूवमेंट में जिन्होंने हिस्सा लिया और जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पे दस्तखत किए वो करप्शन की बिना पर तमाम डिस्क्वालीफाई हो गए और पूरी जो लीडरशिप थी नॉट वन द एंटायर लीडरशिप वॉज डिस्क्वालीफाइड। तो अब आप खुद सोचें जो कायदे आज़म के साथ के साथी थे वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए और फिर अंडर 19 टीम आई, फिर उन्होंने हुकूमत चलाई और जब भुट्टो साहब ने अपनी हुकूमत बनाई और वन मैन वन वोट का कंसेप्ट दिया, फिर उनको भी करप्शन की बुनियाद पे उनके जितने भी मिलिट्री कोर्ट्स लगे उन पॉलिटिशियंस को भी मिलिट्री कोर्ट्स में जाना पड़ता था और फिर जब मोहतरमा जब आई उन पे भी करप्शन का केसेस लगे, जुनेजो साहब पे भी करप्शन के केसेस लगे, फिर नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी करप्शन के केसेस चले, तो फिर जब डिक्टेटर्स आते हैं तो उन वो इन्हीं करप्ट पॉलिटिशियन को साथ रख के हुकूमत चलाते हैं, उनमें आज तक किसी के ऊपर करप्शन का केस नहीं लगा। तो अब उसका ये मुझे बताएं कि क्या
कोई जो आमिर आते हैं वो उनके ऊपर करप्शन क्यों नहीं लगती, जो पॉलिटिशियंस आते हैं करप्शन सिर्फ उन्हीं पे लगती है। तो इसलिए ये एक आसान लफ्ज़ है कि करप्शन है, तो करप्शन क्या इंडिया में नहीं होगी, क्या करप्शन किसी और मुल्क में नहीं होगी, मगर उसका हल क्या है? उसका हल है फ्रीक्वेंट इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शंस होते रहे, प्रोसेस चलता रहे, लोग एलिमिनेट करते जाएंगे, नए लोग आते रहेंगे। अगर यही कहा गया था यूके में, अगर जमहूरियत फेल हो जाए, डेमोक्रेसी फेल हो जाए, गिव मोर डेमोक्रेसी, उसका मतलब ये नहीं कि गला घोंट दें और फिर कहें यहाँ डिक्टेटरशिप आ जाए। तो इसलिए अगर यू हैव टू डिटरमिन वंस फॉर ऑल वेदर यू वांट डेमोक्रेसी और यू वांट मार्शल लॉ। मेरा नाम आसिफ डार है, मैं जंग लंदन में काम करता हूँ। मेरा सवाल सियासी नहीं, समाजी है। आपकी रिहाइश का जो इस्लाम आबाद में है, वहाँ से शायद 1-2 किलोमीटर के फासले पर बड़ी इमाम का मज़ार है, और वो मज़ार 4 साल से बंद पड़ा है। बंद उस तरह नहीं पड़ा, बल्कि वहाँ मई के आखिर में मेले हुआ करते थे जिसमें लाखों लोग शिरकत करते थे। यहाँ लंदन में भी बड़ी इमाम के लाखों जो जाने वाले थे जब बंद हुए। मुझे आपके 5 दिन से आप यहाँ पे 4 दिन से आए हुए हैं, मुझे बड़ी इमाम के जो वीर साहब हैं उनका मेरा ख्याल है कम अज़ कम 20 मरतबा फ़ोन दफ्तर में आ चुका होगा कि आपसे मैं ये गुजारिश करूँ कि 4 साल से वहाँ पे मेले मुनक़द कराना बंद कर दिया गया है सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पे। अब बड़ी इमाम वहाँ पे कई 100 साल से मौजूद है, उसको तो आप वहाँ से नहीं हटा सकते। आप अमेरिकन एम्बेसी को कहीं और क्यों नहीं ले जाते कि वहाँ से सिक्योरिटी का मसला खत्म हो जाए? तो आप कब कब ये कहेंगे? आप और वीर साहब ने कोई शायद बात की हो, मगर आपको वीर साहब का और हमारे ताल्लुकात का नहीं पता। जो हजरत बड़ी इमाम हैं वो बैद हैं खुदरा शाह मुकीम, खुदरा शाह मुकीम जो है वो गिलानियों की दरगाह है, उन वो पीर हैं पीर बड़ी इमाम साहब के, और हम पीर बड़ी इमाम का जो दरगाह है उसको हम बेहतर बना रहे हैं, सिक्योरिटी का भी हो जाएगा। वहाँ भी 2 नंबर पीर भी हैं, 1 नंबर पीर भी हैं, वहाँ भी लोगों को मुसरत किया जाता है। तो इंशाल्लाह आप पता नहीं 1 नंबर से बात की या 2 नंबर से आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं इनके, क्योंकि मैं खुद इसी सिलसिले से हूँ तो मैं इन सारों को जानता हूँ, तो इंशाल्लाह उनका तकद्दुस जो होगा उसको हम पूरा करेंगे। 5 साल पहले इन्हीं दिनों में भी यही हालात है लोड शेडिंग की। 5 साल आपकी गवर्नमेंट को तकरीबन हो चुके हैं, अब भी उसी तरह लोड शेडिंग है बल्कि उससे ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। क्या आप ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि आपकी हुकूमत लोड शेडिंग खत्म करने में नाकाम हो चुकी है? देखें, अब आप कितने अरसे से पाकिस्तान नहीं गए? मैं अभी रिसेंटली गया। रिसेंटली कब गए हैं? 2 साल जी। 2 साल पहले। 2 साल पहले, ये रिसेंट नहीं बनता। मैं आपको एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप कोई प्लान कर लें लोड शेडिंग के लिए, आप कोई प्लान कर लें पावर को इन्हेंस करने के लिए, जनरेशन को, उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, मीडियम टर्म प्लान चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। और ये नहीं हो सकता कि अलादीन का चराग होगा कि जैसे आप स्विच ऑन करेंगे वो चल पड़ेगा। तो हमने शॉर्ट टर्म प्लान किए, 3400 मेगावाट्स हमने ऐड किए नेशनल ग्रिड में, और पहले कोई एक मेगावाट भी ऐड नहीं हुआ था। और दूसरे जो मीडियम टर्म्स हम कर रहे हैं उनके लिए आप किसी से पूछ लें, आप तो सब पढ़े लिखे बैठे हैं, उस पर 4 से 5 साल का अरसा लगता है, और 4 से 5 साल का जो अरसा है इंशाल्लाह जो हमारे पाइपलाइन में है उसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें डियामिन भाषा डैम है, उसमें मंगला रेजिंग है, उसके अंदर आपके ईरान के साथ आपका 1000 मेगावाट का है, कासा 1000 का है, थर कोल का है जो कभी रिजॉल्व नहीं हुआ था, इंडिया से अभी हम वहाँ से 500 मेगावाट की बात हो रही है, और अल्टरनेट एनर्जी में भी हम विंड मिल से भी काम कर रहे हैं और न्यूक्लियर पे भी काम कर रहे हैं और सोलर से भी हम काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हाइड्रो से भी काम हो रहा है। अभी चाइना के साथ भी हमारे बहुत सारे मायदे हुए हैं, कई डैम्स के ऊपर काम हो रहा है। मगर आपको एक चीज़ बता दूं, आप हर 2 साल ज़रूर जाया करें पाकिस्तान, क्योंकि उस पर रिन्यू होकर आप आएंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ, किसी गवर्नमेंट को
दो ढाई साल से ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया गया, ये इत्तफाक है, आई एम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, इसलिए मैं ये आपको इतने सारे प्रोजेक्ट गिनवा रहा हूँ। अगर कोई किसी गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे कर लिए, 2 मरतबा आपका मुल्क तब्दील हो जाएगा। प्रोड्यूसर साहब, प्रोड्यूसर साहब, मेरा क्वेश्चन है,